Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So, thumbnail padhkar ke aap samajh to gaye honge ki aapka shayad syllabus revise hua hai for class 10 IT, kya kya changes hue hain. Agar aapne abhi tak nahi bhi dekha hai ki kya kya changes hue hain, bas ye video ko end tak dekh lo. Aapke jitne bhi confusion the, jitne bhi doubts the, wo sare ke sare clear ho jayenge. उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन किस लिए, राइट? तो आप वहाँ पर कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं. तो देखो, मेरे पास ना करेक्ट मेरे हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही पुराने मिस फरहा असगर, आई थिंक आई हैव प्रोनाउंस इट करेक्ट, बट अगर प्रोनाउंस करेक्ट नहीं किया तो सॉरी. इनका मेरे पास कल कमेंट आता है कि मैम प्लीज़ रिप्लाई टू मैसेज, इट्स अर्जेंट कि दिस टाइम SQL इज़ देयर इन सिलेबस और नॉट. अब तक तो हम ये कह रहे थे कि SQL आपका सिलेबस में गिवन है, बट आपका जो CBSE का स्टडी मटेरियल NCERT बुक थी उसमें SQL की कमांड्स नहीं गिवन थी, राइट? तो मैंने उस टाइम आपको कहा था कि सिलेबस में गिवन है, तो दैट मीन्स वी हैव टू डू दैट बिकॉज वी वर फॉलोइंग द करिकुलम. फिर उन्होंने कहा कि इन CBSE मटेरियल इट इज़ नॉट देयर, फाइन. एंड द सिलेबस दैट आई डाउनलोडेड यस्टरडे फ्रॉम CBSE साइट, इन दैट ऑल्सो SQL क्वेरीज आर नॉट मैंशन. फिर मैंने सोचा इट्स स्ट्रेंज कि सिलेबस में तो ये मैंशन है. फिर मैंने मैंने क्या, चलो इनके कमेंट का रिप्लाई करना तो सभी को बता देते हैं. एंड देन आई डाउनलोडेड द सिलेबस. और फिर जितने कन्फ्यूजन सिर्फ SQL को लेकर के नहीं, और भी बाकी चीज़ों को लेकर के जो आपको कन्फ्यूजन थी, वो सारा का सारा सिलेबस में क्लियर हो गया है, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग देखो यहाँ पर आप अपना CBSE की एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू दिस सब्सक्राइबर और व्यूअर ऑल्सो कि जो ये चीज़ हमारे नोटिस में लेकर आए, थैंक यू. चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले CBSE अकेडमिक वेबसाइट को ओपन करेंगे. एंड फॉर दैट यू हैव टू आफ्टर दैट क्लिक ऑन द स्किल एजुकेशन, राइट? इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे करिकुलम टैब पर. फिर यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंडरी लेवल क्लास 9th and 10th सेशन 2024 and 2025, राइट? यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्लास 10th का सिलेबस को हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर, राइट? तो यू कैन सी हियर CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं. करिकुलम फॉर सेशन 2024 and 2025, सब्जेक्ट कोड हमारा 402 है, क्लास 10th की बात हो रही है, ठीक है? अब देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ये डाउट था जो हमारे व्यूअर्स थे कि मैम लिब्रे ऑफिस करना है कि ओपन ऑफिस करना है. हालांकि इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना चुकी थी कि आपको लिब्रे ऑफिस ही करना है, ओपन ऑफिस नहीं करना, बिकॉज वो करिकुलम मीन्स आपके CBSE NCERT में भी मेंशन था, प्लस यूनिट 3 में लिब्रे ऑफिस बेस मेंशन. अब इन्होंने क्या करा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, पार्ट बी. अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस, राइट? तो दैट मीन्स कि ये कन्फ्यूजन हमारी दूर हो गई कि लिब्रे ऑफिस करना है या ओपन ऑफिस करना है. अब हमें लिब्रे ऑफिस ही करना है. जो भी तक हमने पहले जितने वीडियोस अपलोड किए हैं वो लिब्रे ऑफिस के बेस पर ही हैं, राइट? सेकंड जो चेंज मुझे दिखा दैट इज़, हाँ, ये जितने भी कंटेंट हैं पहले ही आपके मैच कर रहे थे काफ़ी हद तक, मीन्स NCERT और जो पुराना स्टडी मटेरियल था प्लस सिलेबस, ठीक है? बट अब इसको कम्प्लीटली अलाइन कर दिया आप लोगों के जो CBSE के NCERT स्टडी मटेरियल वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग, राइट? तो इसमें आप देखो यहाँ पर आपका था चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर, ठीक है? पहले ये टेम्पलेट और टेबल ऑफ कंटेंट अलग अलग गिवन था, ये कंबाइन हो गया चैप्टर 3 होकर के. प्लस जो ये वाले टॉपिक्स, ट्रैक चेंजेस फीचर, प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू, रिकॉर्ड चेंजेस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, एडिंग कमेंट्स, डिलीटिंग कमेंट्स, कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स ना आपके कुछ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाले यूनिट में थे, इसमें नहीं गिवन था सिलेबस में. तो भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते थे तो आई टोल्ड देम कि सिलेबस में मैंशन नहीं है, तो वी हैव नॉट डन दिस. बट सिंस अब ये सिलेबस में मैंशन है तो इसकी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी जल्द चैनल पर. तो दैट मीन्स ये वाले टॉपिक्स जो एडवांस फीचर्स वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग, ये भी अब हमें करने, इसको स्किप नहीं करना, राइट? एक ये चेंज देखा. प्लस यहाँ से देखो सॉल्वर हटा दिया, गोल सीक बना, यहाँ पर सब टोटल है. तो ये सारा का सारा आपका अलाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू योर NCERT, वो भी मैं अभी बताऊँगी डाउनलोड कैसे करना है. और इसके बाद हम आ जाते हैं देखो यूनिट 3, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रे ऑफिस बेस.
चैप्टर 8 आपका डीबीएमएस का हो गया, फिर लिब्र ऑफिस बेस, यहाँ पर टेबल सेव कैसे करते हैं, डेटा एंटर, सॉर्टिंग डेटा, इसके बाद यहाँ पर आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये क्वेरीज वाला आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी एसक्यूएल कमांड्स नहीं मेंशन, राइट। सो दैट मींस कि आपको जो एसक्यूएल कमांड्स हैं, अगर हम इस सिलेबस की बात करें जो अपडेट हुआ है, तो इसमें आपके नहीं है। प्लस जो आप लोगों का सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया इस साल का, उसमें भी आपको एसक्यूएल कमांड्स के क्वेश्चन गिवन नहीं है, राइट। सो दैट मींस वी आर फॉलोइंग दिस अपडेटेड करिकुलम नाउ। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुराने करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ ले। ठीक है, और जो आपकी सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक है उसको आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, स्किल एजुकेशन वाली टैब हमने ओपन की थी, यहाँ से आप जाओगे बुक्स वाली टैब, राइट। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेकेंडरी लेवल क्लास 9th and 10th और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th, राइट। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए आपको गिवन है क्लास 10th की बुक, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो आपका पार्ट बी है दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, उसके लिए भी एनसीईआरटी वाली जो बुक है ये आ गई। ठीक है, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर दिस गिवन। और जो आपका करिकुलम है वो इसी के अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली है। कि चैप्टर नंबर्स भी आई थिंक इन्होंने एज इट इज आपके सिलेबस में लिख दिया, चैप्टर 1, 2, 3 थर्ड चैप्टर एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर, अर्लियर इट वॉज टैम्पलेट एंड टेबल ऑफ कंटेंट सेपरेट। ठीक है, टोटल 15 चैप्टर्स हैं और इसमें भी आपको यही 15 चैप्टर्स ही मेंशन, राइट। ठीक है, और इसमें भी इवन कुछ कन्फ्यूजन्स थी कि आपको कैसे कौन से टॉपिक्स करने हैं। अब ये सारे के सारे जो यूनिट 4 है ये भी आपके अलाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई करिकुलम, मींस जो आपका एनसीईआरटी वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। वैसे हम कुछ अगर हम कहीं मेजर चेंजेस तो ये हो गए हैं सिलेबस में, बट हमने इसको किया पहले भी उसी अकॉर्डिंग था, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। जो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड आप उसको फॉलो कर सकते हो, जो कंटेंट नहीं है वो मैं आपको ज़रूर वहाँ से मीन्स अपलोड कर दूँगी उसके वीडियो। और वन मोर थिंग प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। एंड हमारा जो एनसीईआरटी बुक है ना जो आपने वाली देखी है, इसके जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, इसके जो सॉल्यूशंस हैं या फिर इसके जो नोट्स हैं, उसको जो परचेज करने का लिंक है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, सो दैट जितने भी चेंजेस अपने हुए हैं अभी तक, बाकी स्टूडेंट्स को सभी को ये पता ज़रूर चल सके, राइट। और अपडेटेड वीडियोस मींस जो आपके न्यू कंटेंट हैं वो ट्रैक चेंजेस वाले यूजिंग लिब्र ऑफिस राइटर, उसकी वीडियो भी आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। प्लस क्लास 10th का लिब्र ऑफिस के अकॉर्डिंग जितनी भी अपडेटेड वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेबस का लिंक, बुक का लिंक, सारे लिंक्स मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दूँगी, तो मेक श्योर आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको यूज़ ज़रूर करें, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।